अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चोंगे, जो मुहर्रम में बनाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं ये खाने में। इसे बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं के आटे के बनते हैं। आधा किलो गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। पाव चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और 2 टीस्पून भरकर हम इसमें घी ऐड कर देंगे। मैंने देसी घी ऐड किया है। आप कोई भी डालडा वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इन सबको मिक्स कर लेंगे। घी को पहले आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब पानी का यूज़ करते हुए हम डो गूंद लेंगे। जैसे हम पराठे का या रोटी का डो गूंदते हैं, सेम उसी तरह से हमें पानी का यूज़ करते हुए इसका आटा गूंद लेना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। तो ये देखिए, आटा हमारा गूंद कर रेडी है। इस तरीके से इसको मुट्ठी मारना ज़रूरी है, इससे आटा अच्छा गूंद कर तैयार होता है। तो सबसे पहले हम एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा बड़ा ही लेना है हमें। इसको आटे में डस्ट करके रोल कर लेना है। इसको गोल शेप में रोल कर लेंगे। मोटा मोटा ही रखेंगे, एकदम पतला नहीं करना है। और इस तरीके से हाथों से इस पर डिज़ाइन बना देंगे। आटे में हाथ डुबाते हुए इसको इस तरीके से डिज़ाइन बना लेना है। आप कोई भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं, या नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट पहले के ज़माने में लोग बनाया करते थे। इसका साँचा भी मिलता है डिज़ाइन का, उसको इस पर रख कर बेला जाता है तो इस पर डिज़ाइन आ जाती है। ये डिज़ाइन इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हम इसमें जो फीलिंग भरते हैं वो गिरे ना, इस पर जमी रहे, इस वजह से इसको बनाया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से आप इजीली बिना साँचे के इसको बना सकते हैं। बनकर तैयार हो चुकी है ये। अब तवे को गरम कर लेंगे और इसको डाल देंगे तवे पर। ये एक साइड से ब्राउन हो चुकी है, इसकी साइड को चेंज कर देना है और इस पर ऑयल डाल के इसको ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो घी के साथ भी इसको बना सकते हैं, बट घी मैं ऊपर से डालने वाली हूँ, इसलिए दोनों साइड पर ऑयल डाल देंगे। और पराठे की तरह इसको हमें बना लेना है। बहुत ही इजी है ये बनाना और बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। आप इसको बनाओगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है खाने में, टेस्टी लगता है। ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए मैंने, काजू बादाम और पिस्ता। और ये खसखस ली है। खसखस और सूखा नारियल इसमें डालना ज़रूरी है, इसके बिना चोंगे नहीं बनते हैं। और ये सूखा हुआ नारियल इसको ग्रेट करके ले लिया है। देसी घी लिया है मैंने, इसको गर्म कर लिया है। हल्का सा गुनगुना करेंगे। और ये बारीक वाली मैंने शक्कर ली है, मैं शक्कर के बना रही हूँ, आप गुड़ के भी बना सकते हैं। और ड्राई फ्रूट इसमें डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। तो ये देखिए, डिज़ाइन इस तरीके से आ जाती है, देख रहे हैं आप, दिखने में भी खूबसूरत लगती है। और बाकी के मैंने कुछ बगैर डिज़ाइन के भी बनाए हैं, सिंपल से देख सकते हैं आप। अगर आपको डिज़ाइन बनानी नहीं आ रही है या आप नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपल से आप जैसे गोल पराठे बनाते हैं बेल के, उस तरह से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चोंगे को ले लेंगे। इस पर हम सबसे पहले खसखस को डालेंगे और ये शक्कर डाल देंगे। ये बारीक वाली शक्कर है, इसको हमें डाल देना है इसके ऊपर। अगर आप गुड़ के बना रहे हैं तो गरम गरम पराठे पर ही आपको गुड़ डालना है ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। अब इस पर घिसा हुआ नारियल डाल देंगे। अब इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और घी डाल देंगे, जो हमने गरम किया था वो घी डाल देना है, 1 से 2 चम्मच। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, चोंगा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब एक दूसरा भी मैं आपको बनाकर बता देती हूँ, जो प्लेन वाला है। ये देखिए, इस पर मैंने डिज़ाइन नहीं बनाई है, तो एक के ऊपर एक इसको बनाकर रखते जाना है, चिपकते नहीं है, ये अच्छे रहते हैं। तो सबसे पहले खसखस डाल देंगे, इसी तरह से शक्कर डाल देनी है हमें, और इसके ऊपर भी आप घी डाल सकते हैं, इस वक्त भी आप घी डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब सिंपल खोपरा डाल देना है हमें और इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसको मुहर्रम में बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो ये देखिए, दूसरा वाला भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। सारे हम इसी तरह से बना लेंगे। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।